नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनके परिवार के 7 लोगों की जो दर्दनाक मौत हुई थी उसमें उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए हैं। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी। हालांकि 1 अप्रैल 2022 तक बिना किसी छूट के 15 साल और 4 महीने ये लोग जेल में रहे, लेकिन जिस औरत के साथ ये गुजरी उसके केवल ये शरीर पे ही नहीं गुजरी, उसकी आत्मा पे भी गुजरी, उसके दिलो दिमाग पे गुजरी, उसकी आत्मा भी जख्मी हुई। और उस सब का क्या, हम लोग इसी पे बात करना चाहते हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं और मोनिका आर्या जी रांची से जुड़ी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, मोनिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका जी पालोना संस्था की मुखिया हैं और महिलाओं के संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं पहले डॉक्टर सिंह साहब से बात करना चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया है ये सब क्या है। आपसे मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपने निर्भया के जो दोषी थे उनके लिए आपने बहुत मेहनत की थी। आप अपना माइक खोलिए डॉक्टर साहब जी। नहीं, इस देश में एक्चुअली क्या है मनविंदर जी, आपका जी, चैनल पर भारत में बहुत देखा जाता है और आपके चैनल में बौद्धिकता होती है, लोगों के लिए बुद्धि की बात होती है और लोग देखते हैं, समझते हैं और आप बड़े बड़े केसों को सीनियर रिपोर्टर की तरह करती। बात बड़ी साफ सी, इस देश में एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए नहीं। इस देश में न्याय एक उस मकड़ी के जाले की तरह है जिसमें धनी, प्रभाव वाला, पैसे वाला आता है, घुस के उस जाले को तोड़ता हुआ चला जाता है। आज भी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम उसी न्याय के जाले में छोटी छोटी कीड़े मकोड़े मकड़ियों की तरह उसमें फंस जाता है और अपनी जान गंवा देते हैं। जैसे वो कीड़े मकोड़े जान गंवा देते हैं वैसे उस व्यक्ति के साथ होता है। इस देश में आज भी न्याय पे बहुत सब सरकारें काम कर रही हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट्स, डिफरेंट हाई कोर्ट्स, वो बहुत काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी अभी भी ये परिकल्पना है। न्याय के कई रूप है। मीडिया ट्रायल केस का क्या होगा, सेमी मीडिया ट्रायल केस का क्या होगा, राजनीति से संबंधित केस का क्या होगा, अगर उस केस की विधानसभा में चर्चा हो जाए, अगर उस केस की संसद भवन में चर्चा हो जाए, अगर उस केस की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लोग रोने धोने लगे, अगर कोई सांसद उस केस को लेके संसद भवन में रो पड़े, अगर उस केस के साथ कैंडल मार्च करने वाले कुछ लोग आ जाएं, अगर उसके साथ केस के साथ समाज से भी संस्थाएं आ जाती हैं, केस की स्थिति बदलती चली जाती है, अलग अलग होती चली जाती है, ये हमारे देश में है। लेकिन हमारा मोटो क्या है, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, वो बात रह जाती है मनविंदर जी। जी नहीं, इसमें इसमें न्याय तो दिखाई दिया है। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने करीब करीब 15 साल वो लोग जेल में रहे हैं, है ना जी। वो जेल में रहे कब, जब आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों ने आज से 15 साल पहले इस मामले को उठाया, आप जैसे निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारों ने ये जज्बा दिखाया, ये हिम्मत दिखाई कि हम ऐसा बोले। पहले क्या होता था, खबर शाम को छपती थी, अगले दिन सुबह बिकती थी। अब क्या होता है, खबर शाम को बिकती है, पहले बिक्री होती है उस फिल्म की, फिर सुबह को छपती है और तब बढ़ती है,
तब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये जो परिकल्पना कई जगह पे बदल जाती है जिसकी वजह से कई केस अफेक्ट करते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर लोग टीका टिप्पणी करने लगते हैं जब वो कोई केस का फैसला करते हैं, सोशल मीडिया भर जाती है उनके विरुद्ध, तब उन्हें कहना पड़ता है कि हम सोशल मीडिया के दबाव, हम मीडिया के प्रेशर में फैसले करने लगे, क्या हम पे क्या ऐसा दबाव बनाया जाएगा, क्या ऐसे होगा, अब कहने लगे हैं। लेकिन इस केस में जो आपने शाहवानो बिल्किस का जो वर्णन किया है, इस केस की आप चर्चा कर रही हैं, पुराना केस है, उस समय भी आप जैसे पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाया, मजबूत लोगों के खिलाफ संघर्ष था, सत्ता पर बैठे लोगों के खिलाफ संघर्ष, मीडिया भी सोच समझ के कदम उठा रही थी, आम जनता भी सोच समझ के कदम उठा रही थी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी उस तरह से कार्य कर रही थी जिससे जैसे कि आम आदमी के केस में नहीं कर पाती हैं। ये सब कुछ हुआ, सारे देश और सारी दुनिया ने इस केस को देखा है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि अब 15 साल हो चुके हैं इस घटना को, 15 साल में न्याय की यहां तक पहुंचे हैं। अब ये शिकायत करते का कर्ता का दिल जानता है, दर्द जानता है, उसके घाव और उसके जख्म बता सकते हैं कितने भरे हैं समय ने, कितने कानून ने न्याय की देवी, न्याय की मूर्ति से भरे हैं, कितना लोगों को उसमें भरोसा जताया है, कितना उसका दर्द दूर हुआ है, कितना उसे न्याय मिला है, ये वो चीज बताए, उसका दर्द अपना बताएगा। लेकिन परिप्रेक्ष्य में फिर भी बहुत प्रयास हुआ कि इसमें न्याय मिला है, न्याय हुआ है। अब मैं आपको इसी डिबेट में, अभी आपने बिहार का, आपका नॉर्थ इंडिया में बहुत चलता है, बिहार में एक अररिया जनपद है, अररिया जनपद में छोटू यादव, आरती यादव प्रकरण हुआ, लोगों ने जाना समझा, छोटू यादव को आरती यादव के परिवार वालों ने अपने घर बुला के रात बजे फोन बुला करके, सीडीआर उपलब्ध है, सबको बुला के और 2 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक उसे ऐसे तड़पा तड़पा के मारा, तड़पा तड़पा के मारा, जिसे कहते हैं ना ब्रूटल की क्रुएल्टी की ऐसी पराकाष्ठा कर दी, सोचिए 2 बजे से 8-10 लोग लगातार उसे मारते, नाखून नोचे गए, बिजली के तार के करंट लगाए गए, किया गया। अब उसमें क्या होगा ये वक्त बताओ। जी मोनिका जी, महिला होने के नाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो फैसले होते हैं ये अदालतें करती हैं और उनके फैसलों पे उन सभी लोग स्वागत करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब इसमें जो एक महिला की लड़ाई है उसे आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए मैं अभी इस केस को ही थोड़ा सा पढ़ रही थी आपकी चर्चा में शामिल होने से पहले, और एक तस्वीर मुझे नजर आई जिसमें और संभवतः वो इन्हीं लोगों की तस्वीर थी जिनके गले में माला वगैरह डाल के वो लोग एक चेयर पर बैठे हुए। तो मुझे याद आ गया कि निर्भया के मामले में जब एक माइनर को उसकी एज की वजह से रिलीज कर दिया गया था तो दिल्ली सरकार ने भी यही काम किया था और उसको काफी माला वगैरह पहना के सिलाई मशीन वगैरह दिया था और शायद कुछ कैश वैश भी था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को जो गुजरात में हुआ है, इनको जो मालाएं वगैरह पहनाई गई हैं, ये किसने पहनाई है? ये समाज की तरफ से पहनाई गई है, उनके अपने परिवार के लोगों ने पहनाई है, या फिर सत्ता शासन की तरफ से पहनाई गई? जो भी हो, देखिए परिवार का तो एक अलग रुख होता है अपने लोगों के प्रति, लेकिन अगर ये समाज या शासन की तरफ से किसी ने किया है तो ये घोर निंदनीय है। क्योंकि जो व्यक्ति अपराध भी कई तरह के, बलात्कार जैसा जो अपराध है ये आत्मा को छलनी करने वाला है, इसमें किसी भी तरह से सम्मान नहीं जुड़ना चाहिए उन लोगों के नाम के साथ जो इसके दोषी हैं। और उसमें से कई लोगों ने तो अपने अपराध को स्वीकार किया था कि हाँ हम लोगों ने गैंगरेप किया है, तो जब उसमें कन्फेशन है और उसके बाद वो रिलीज हो रहे हैं तो उसमें सम्मान वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये तो पहली बात है। दूसरा है कि इनको जो मुक्त कर दिया गया है अभी सजा से, 15 साल कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सजा भुगती, लेकिन एक व्यक्ति या एक परिवार की तो पूरी जिंदगी तबाह हो गई,
उसके सामने अगर आप 15 साल को रखेंगे तो कोई मायने नहीं रखता है उसमें। दुखद ये है आज के परिप्रेक्ष्य में कि हर चीज का राजनीतिकरण हो रहा है। हम ये देखते हैं पहले कि पीड़ित कौन है और दोषी कौन है, और उसके बाद हम अपना स्टैंड जो है वो तैयार करते हैं कि भाई हमें इसका विरोध करना है, या हमें इसके पक्ष में खड़ा होना है, या फिर हमको निर्लिप्त रहना है। ये जो घटना है जिसमें कि कन्फेशन है, इसमें तो समाज के हर शख्स को इसके खिलाफ होना चाहिए, समर्थन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन जो परिवार वाले हैं, जितना विभत्स ये कांड है उसमें तो परिवार को इसके खिलाफ होना चाहिए, परिवार से भी हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो हमारे मोरल्स है, हमारे हिंदुस्तान में आदर्श की जो इतनी उच्च व्याख्या की गई है, उसमें परिवार भी कभी अपराधी को ना संरक्षण देते हैं ना सपोर्ट करते हैं। तो वैसे लोगों को सपोर्ट करना, उनका समर्थन करना, उनकी तारीफ करना, उनका स्वागत करना, ये बिल्कुल भी स्वागत योग्य नहीं है ये कदम। और ये लोग बाहर आ गए हैं, अब उस महिला के लिए सोचिए, क्या उसके लिए या उसके परिवार के लिए संकट नहीं है? क्या ये लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे जिन्होंने उसकी जिंदगी पूरी तबाह कर दी है? मुझे नहीं लगता है कि वो अब शायद उस तरह से निश्चिंत होकर जी पाएगी जैसे इन 15 सालों में रही होगी। तो कहीं ना कहीं उस महिला और उसके परिवार, उसके पति, इन सबके सुरक्षा का भी एक अहम सवाल है। क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार इस पर निर्णय करे, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है? क्या उसके लिए कोई बंदोबस्त किए हैं? मेरा सवाल ये है आमतौर पर, और ये सवाल मैं डॉक्टर सिंह जी से भी पूछना चाहूंगी, कि इस तरह के मामलों में जब किसी कल्प्रिट को मुक्त किया जाता है, भले ही कुछ साल उसने जेल में काटे, तो क्या विक्टिम की सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है? उसके लिए कुछ विशेष बंदोबस्त किए जाते हैं? जी सिंह साहब जी, नहीं, मोनिका अरोड़ा जी ने बहुत बहुत ज्यादा बात की, बिल्कुल उनका कहना सही। परिवार के लिए अक्यूज्ड कल्प्रिट अलग होता है, उसका पिता होता है, किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का भतीजा होता है, किसी का पोता होता है, वो एक अलग विषय है माल। लेकिन इस देश में दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे, युवा प्रधानमंत्री थे, आज जो हम टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। उनकी हत्यारों को भी जब वो जेल से निकले, अभी अभी की बात है, और उन्हें वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां से माला पहना के उन्हें जेल के सामने खिलाए। मोनिका अरोड़ा जी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया, शासन, प्रशासन, समाज, तीन तरह का सम्मान है। जो परिवार के द्वारा है वो एक अलग है, हम आप उसको मना नहीं कर सकते, कोई भी ताकत उसको मना नहीं कर सकती। वो घर में जाके सम्मानित करेंगे, माला देंगे, गुलदस्ता देंगे, गोद में लेंगे, किस करेंगे, हग करेंगे, लव करेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका करना जायज भी मान लेंगे। लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं का बड़ा दायित्व होता है सामाजिक जीवन में, वो अगर ऐसा करते हैं तो वो निंदनीय है। और राजीव गांधी की हत्या केस में आपने देखा, अभी तमिलनाडु से जब जेल से रिलीज हुए उसके उनके अक्यूज्ड, तो उनको माला पहना के वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी लेके आए, उन्हें स्वागत किया। ये राजनीतिकरण, मोनिका अरोड़ा जी ने कहा राजनीति, केस का राजनीतिकरण जब हो जाता है वो राजनीतिकरण था। लिट्टे को आप संतुष्ट करना चाहते हैं, लिट्टे गुट को संतुष्ट करना चाहते हैं, साउथ की वोट बैंक को संतुष्ट करना चाहते हैं, आप साउथ में आने वाले तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, वहां के चुनाव को देखना चाहते हैं, उस नजरिए से देखना चाहते हैं कि इनकी हत्यारों को अगर फूलमाला पहना के हम लेके आएंगे तो हमारी पार्टी सत्ता में जल्दी आएगी। डॉक्टर सिंह, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगी यहाँ पर, कि ये वाला जो मामला है और जिस मामले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं शायद थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाता है। अगर मैं ठीक से याद कर पा रही हूँ तो कुछ साल पहले प्रियंका गांधी ने खुद जेल को विजिट किया था, वो वहाँ राजीव जी के हत्यारों से मिली थी, और बाहर निकलने के बाद उन्होंने खुद ये कहा था कि भाई इनको अब मतलब हमने इन्हें माफ कर दिया है और इनको अब जेल से फ्री कर दिया जाए, हमें इसमें अब कुछ आगे नहीं करना है। हालांकि उस समय में उनकी ये बात मानी नहीं गई थी और रिसेंटली उनको जो है जेल से गया। लेकिन जिस केस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या तो विक्टिम ने कभी कहा ही नहीं कि आप उनको रिलीज कर दीजिए या हमने उन्हें माफ कर दिया है, ये दो एकदम डिफरेंट केस है इस मामले में। हाँ, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विक्टिम है उनको सुरक्षा उपलब्ध करा रखी है शुरुआत से, अब भी सुरक्षा वो चली जब अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, सुरक्षा उपलब्ध करा रखी है, उनके निवास की व्यवस्था कर रखी है, आवास प्रवास उन्हें मिल रखा है, और हेल्प, फाइनेंशियल जो हेल्प सरकार की तरफ से मिल रही है,
वो मिल रही है, यही है, लेकिन उनके घावों को भरने की बात तो वो भी कभी भरी जा सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो कितने जल्दी घाव भर सकते हैं, कितनी जल्दी घाव भरे जा सकते हैं। प्रियंका गांधी जी की बात अलग रही होगी, उनकी दिव्य दृष्टि, उनका विशाल हृदय रहा होगा, लेकिन सबका विशाल हृदय ऐसा रहा है रहे, सब बड़े राजनीतिक दल के मुखिया हों ये तो संभव नहीं है। कुछ लोग तो अपने परिवार में ही घर के दरवाजे के अंदर की जिंदगी को ही जिंदगी मानते हैं और उसी के तहत चलते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं, उसी पर आश्रित रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उनके साथ जीवन में, क्योंकि 15 साल जीवन रहा, अब उसके बाद अब उनके साथ कोई घटना ना हो और सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की जाए, मैं तो यही कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के बाद। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इनको रिहाई की अनुमति दी थी, हाँ तो सरकार, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग अभी जेलों में हैं जिनके अपराध इनसे कहीं कम है, तो जरा सा इसको और आप एलाबरेट करें कि ये जो माफी नीति है ये क्या है, और दूसरे स्टेट में जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो या और स्टेट की बात करें तो वहां ये किस तरीके से फिट बैठता है। माफी की नीति अगर उत्तर प्रदेश में चले तो शबनम सलीम को भी माफ कर दिया जाना चाहिए, शबनम सलीम उनसे पहले बार ऐसा अपराध का आरोप लगाया गया, वो भी राजनीतिक तौर पे, उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री, कई सारे स्टेट में बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनके अपराध है, लेकिन जो गुजरात की माफी नीति है ये क्या है? नहीं, राज्य सरकार की गवर्नर साहब के अधीन एक सिस्टम है, प्रोसेस है, वो लिस्ट बनाते हैं हर साल, उसमें पैमाना होता उम्र का, उसमें पैमाना होता है दोबारा अपराध ना करने का, उसमें पैमाना होता है उनकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट का, आपराधिक रिकॉर्ड कैसा रहा, उनका आपराधिक इतिहास, उनकी फैमिली का इतिहास कैसा रहा है, उनकी डिपेंडेंस, उन पर कितने परिवार के लोग डिपेंड है, आश्रित कितने हैं, उनकी आय सोर्स ऑफ इनकम, परिवार की जीविकोपार्जन का क्या है क्या नहीं है, केस में क्या हुआ, कंप्लेनेंट किस विक्टिम के क्या हालात है, किस हालात में क्या, ये दोबारा तो ऐसा अपराध नहीं कर सकते, समाज के लिए व्यक्ति तो खतरनाक नहीं है। सबसे उसमें जो लाइन होती है जिस पर रिपोर्ट आती है डीएम के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, उसमें सबसे पहले लाइन होती है समाज के लिए तो खतरा साबित नहीं हो सकता है, ये उसकी पूर्ति के लिए वो रिपोर्ट देते हैं, जेल से रिपोर्ट जाती है, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आगे गवर्नर और सरकार उस पर करके साल ऐसे छोड़ते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को हर साल ऐसे कैदी छोड़े जाते हैं, उम्र का पड़ाव है, कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं, कुछ इतना कर चुके हैं, अंदर का जेल का भी, जेल का भी उनका व्यवहार जो है, जेल के चाल चलन रहा, क्या उन्होंने किसी कैदी की ऐसी मदद की, जैसे कई हमारे पास ऐसे मामले हैं, उसने मरते आत्महत्या कर रहा, कोई किसी की सजा हुई, कन्विक्शन हुआ, उम्र कैद हुआ, वो आया उसने फांसी लगाने की प्रयास किया तो किसी दूसरे कैदी ने उसको पीछे नीचे से उठा लिया, फांसी लगाने से बचा लिया, जीवन दे दिया, मृत्यु से बचा लिया, तो उसके अच्छे रिकॉर्ड लिखा जाता है, ब्लड डोनेट कर रहा है व्यक्ति जेल में ही रह के, लगातार अच्छे काम कर रहा है, पढ़ रहा है, गया था जेल में अनपढ़, तो बड़े होके वो बीए भी कर लिया, उसने ग्रेजुएशन करके आगे काम कर रहा है, ये सब चीजें अच्छे उसमें गिनी जाती हैं, भलाई के कार्यों में जेल की रिपोर्ट आती है, उसमें उम्र भी सबसे बड़ा पड़ाव होता है, हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है, यंग एज में आया है और जीवन में आगे करेगा, अच्छाई करेगा और रिपीट ना करे, बड़ी बात ये होती है कि अपराध को रिपीट ना करे, तो उसमें अच्छा चाल चलन और अच्छा व्यवहार राज्य सरकार के उस पर होता है। मैं फिर से एक सवाल आ रही हूँ जी सिंह सर, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जैसे इस वाले मामले में याचिका जो लगाई गई थी माफी की, वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहकर राज्य के पाले में गेंद डाल दी कि भाई ये राज्य से जुड़ा हुआ मसला है तो राज्य सरकार ही माफी पर डिसीजन लेगी कि माफी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्या इसमें राज्य सरकार के लिए ये कंपल्सरी होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिले तो वो माफ करेगी, या वो वापस भी कर सकती थी कि नहीं इसमें ये केस या अपराध इतना गंभीर है कि इसमें माफी नहीं मिल सकती है, या सबको नहीं मिल सकती है, कुछ लोगों को मिल सकती है कुछ को नहीं, क्या इस तरह का कोई प्रावधान होता है इसमें? ऐसा बिल्कुल प्रावधान है, उनकी अपनी राज्य की डिस्क्रिमिनेटरी पावर होती है कि वो माफ करें ना करें, कई मामलों में वापस आ जाता है कि हम माफ करने लायक केस नहीं और हम माफ नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसमें चुप हो जाता है,
राज्य सरकार अपने आप करती है माफ करने की, कई बार राज्य सरकार खुद अनुशंसा करती है, कई बार याचिकाकर्ता के आधार पर अनुशंसा को आगे वेरीफाई करती है, उनकी अपनी पावर है। जो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं सब अपनी कुर्सी के अच्छी तरह मालिक हैं, ये हमारे भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से लिखा है। अगर अपनी पे आ जाए जेल सुपरिटेंडेंट तो वो तक छोड़ सकता है, अपनी पे आ जाए राज्य के महामहिम गवर्नर साहब वो छोड़ सकते हैं, अपनी पर आ जाए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री तो वो भी छोड़ सकते हैं, अपनी पे आ जाए देश के महामहिम राष्ट्रपति या चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो वो भी सो मोटो नोटिस लेकर कॉग्निजेंस लेकर उन्हें छोड़ने के लिए रिहाई के लिए आदेश दे सकते हैं या रोक भी सकते हैं। कोई रिहाई हो रही हो तो उसे रोक भी सकते हैं अगर उन्हें लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में खतरनाक है, घातक है, ऐसा होना गलत है, समाज में गलत मैसेज जाएगा, कोई राज्य सरकार छोड़ रही है तो राजनीतिक कारण से छोड़ रही, राजनीतिक दबाव के कारण छोड़ रही है तो वहां रोक भी सकते हैं। सबको भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरी फुल पावर, फुल खुली पावर दे रखी, जहां जो यूज करना चाहे उसका कर ले, ना यूज करना ना चाहे ना कर ले। आसाराम बापू में कितने 85 साल से ऊपर की उम्र हो गए, गुजरात सरकार नहीं प्रयोग करना चाहती, राजस्थान प्रयोग नहीं करना चाहती है, बिल्कुल उनकी बीमारी की हालत, बीमारी की रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट सारा कुछ आता है और बहुत तरह से आता है, लेकिन उनका वहां गुजरात सरकार नहीं कर पा रही है। वही हनीप्रीत मामले में पैरोल हो जाती है, इजिली पैरोल हो जाती है, हरियाणा सरकार कह देती है ठीक है पैरोल दे दीजिए तो पैरोल मिल जाती, पैरोल पे आते हैं फिर वापस जाते हैं, फिर वहां मुद्दा उठता है कि असली बाबा राम रहीम अंदर हैं कि नकली उनके डमी राम रहीम अंदर हैं, ये भी चलता रहता है। तो ये सब चीजें सरकार के अधीन चलती रहती हैं कि असली अंदर हैं कि नकली अंदर हैं क्या है, लेकिन सब कुछ चलता रहता, सब अपनी पावर के पूरे मालिक। एक मेरा सवाल है सिंह साहब आपसे, बिल्किस बानो का जो सामूहिक उसके साथ दरिंदगी हुई है और आए दिन हम ये सब देखते रहते हैं, एक बहुत बड़े मामले को आपने भी हैंडल किया है, मतलब क्या इसका परिभाषा, रेप की परिभाषा हर केस में अलग अलग होती है क्या? नहीं, यहाँ के सिस्टम में तो अलग अलग है, अगर वो मीडिया हाईलाइट नहीं है तो वो बहुत बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल उसे ट्रीट किया जाएगा, सेशन कोर्ट उसको करती है ठीक है हो जाता है, हो जाता है हाई कोर्ट तक, अनवल हाई कोर्ट तक हो जाता है। थोड़ा उसमें राजनीतिक, जैसे मैंने आपकी डिबेट में ओपनिंग कहा था कि जैसे राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा उसका वेट बढ़ जाता है, और सामाजिक संगठन उसे उठा लेते हैं उस विषय को, उसके लिए आगे आ जाते हैं तो और उसका वेट बढ़ जाता है, न्यूज चैनल मीडिया वाले उठा ले, स्टेट लेवल के उठा ले तो थोड़ा और उठ जाता है, नेशनल लेवल के मीडिया चैनल उठा ले तो फिर पूरे देश में पूरे विश्व में कैंडल मार्च और सब कुछ होने लगता है, सब कुछ डिपेंड करता है। केस है, केस एक है, विक्टिम एक है, पीड़िता एक है, लेकिन तरीके तरह तरह के न्याय की व्यवस्थाएं जो है, न्याय की परिकल्पनाएं हैं जो बदलती चली जाती है। मैंने आपको कोट किया ना अभी केस अररिया के, ब्रूटैलिटी इतनी हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के आपका दिल रो पड़ेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे, 164 का बयान जो आरती यादव का है, लड़की का बयान पढ़ेंगे तो पूरा उसने दृष्टांत बताया, 2 बजे से कैसे सुबह के 7 बजे तक होता रहा, उसके जो उसका प्रेमी था छोटू यादव था जिसे प्यार करती थी वो, उसके साथ पूरी जो घटनाक्रम हुई, कमरे में बंद करके हुआ गया, पानी के लिए तड़पता रहा, उस बच्चे ने आखिरी उसकी आवाज उसके बाप ने सुनी, सोचिए आप, एक बाप जब वहां पहुंचा और उसने उसके पास पड़ोस के लोग वहां पहुंचे, उसने एक आखिरी आवाज सुनी, पापा मुझे पानी तो दे दीजिए, पापा मुझे पानी तो दे दीजिए, उसके बाद देखा गया तो उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, वो मर चुका था, वो अब शरीर को खो चुका, कहां है मानवाधिकार है, वेर इज ह्यूमन राइट कमीशन, कहां पटना का ह्यूमन राइट कमीशन, कहां नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कहां है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, कहां है बच्चों के लिए देखभाल कर, बच्चे ही तो था वो, उसके साथ क्या 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 नहीं हुआ, तो इस तरह से परिकल्पना बदलती चली जाती। हाँ, अगर इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ बोले, कुछ बात करें तो कुछ आगे बात बने, कुछ ह्यूमन राइट्स कमीशन भेजें जांच के लिए तो कुछ बात बने, अनरेबल हाईकोर्ट पटना सुने तो कुछ बात बने, अनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोले तो कुछ बात बने, आप जैसे मूर्धन्य चैनल के लोग उस पर डिबेट रखें, उस पर काम रखें, एक तरफ आरती यादव एक तरफ छोटू यादव की, पीछे बैक चले और 8 बजे के प्राइम शो में ये बात हो, दिखाई जाए कि क्या गलती थी उसकी, क्या प्रेम करना गलत था, प्यार करना गलत था, किसी को अपना इजहार करना गलत था, दोस्ती करना गलत था,
ये गलत तो नहीं था हमारे देश में, हमारे देश में तो ढाई अखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया ना को, ये पढ़ा गया, ये पढ़ा गया, लैला मजनू शीरी फरियाद ही राझा की कहानियां हमें पढ़ाई जाती है, फटा दो इतिहास से। तो अगर छोटू यादव आरती यादव ने भी कर लिया तो क्या गुना होगा, लेकिन उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। अररिया के सांसद चुप रहेंगे, अररिया के विधायक चुप रहेंगे, पटना में विधानसभा चलती रहेगी, मुख्यमंत्री आठवीं बार शपथ लेते रहेंगे, नई सरकार बनती रहेगी, पार्टियां बदल जाती, इधर से उधर होता रहेगा, लेकिन आरती यादव को कौन न्याय दिलाएगा, विषय ये। मोनिका जी, आपने पूरी बात सुनी सिंह साहब की, कैसे एक महिला इतने सालों तक लड़ाई लड़ती है और उसके बाद उसे क्या मिलता है, और अब आपने सिंह साहब की बातें भी सुनी है, क्या कहेंगी आप? मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, ठीक से फ्रीज हो गया है आपका। आप मुझे सुन नहीं पा रही है? नहीं, आप रिपीट करेंगे? आपने मोनिका जी, आपने सिंह साहब को सुना, आप मुझे सुन पा रही हैं? आरती यादव को पहुंचा तो सुन नहीं जी। देखा, बातें दोनों सो रहे हैं। आप दिखाई नहीं दे रहे। मैं जानता हूं ना। हेलो 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 मोनिका जी, मोनिका जी से शायद हमारा संपर्क रचना बनाएंगे, क्यों नहीं करेंगे। हेलो सिंह साहब, मोनिका जी से शायद हमारा संपर्क टूट रहा है जी। तो आपने बात इसमें जो आपने बात कही, आप अपना जरा ये सही कर लीजिए फ्रेम। लग रहा है कि मोनिका जी से हमारा संपर्क हो गया है। मोनिका जी, आपने सिंह साहब को सुना, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। आपने सिंह साहब को भी सुना और इस महिला की मैंने पूरी आपको बात बताई, किस तरीके से ये 14 साल तक लड़ाई लड़ती रही और आखिर में वो लोग रिहा हो जाते हैं, क्या कहती हैं आप? ये बिल्किस बानो का जो कैसे हम लोग उसी पर ही बात कर रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल, उसी पे बात कर रहे हैं, बिल्किस बानो पे। देखिए, पहले तो हमारे यहाँ न्याय मिलना ही बहुत दुर्लभ है, खासकर जैसा कि सिंह जी ने शुरुआत में भी कहा कि जो पैसे वाले हैं उन वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। अगर वो पीड़ित पक्ष की तरफ से हैं तो उस तरह से चीजें मैनेज हो जाती हैं, और अगर वो पीड़क हैं तो जैसे जैसे इस वाले मामले में भी देखें तो शायद 2 साल बाद ये जो है केस जी कोर्ट तक पहुंचा था, कोर्ट की देरी तक, और उसके बाद फिर इसको केस को गुजरात से मुंबई शिफ्ट करवाना पड़ा था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आशंका थी कि ये 3 मार्च 2002 की घटना है, और 2004 में जाके ये केस जी शुरू हो पाया था, और उसमें फिर 4 में ही ये गुजरात से मुंबई शिफ्ट किया गया था, महाराष्ट्र शिफ्ट किया गया था इस केस को, ठीक है। उसके बाद 2008 में संभवतः इस पे जब सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को तो 2008 के आसपास ये फैसला, तब तक 6 साल तो लग गए न्याय आते आते, और वो भी तब जब केस को शिफ्ट किया गया दूसरे स्टेट। अब ये वापस उसी राज्य में है, और शायद जो बिल्किस बानो जी हैं वो भी उसी वही गुजरात में ही रहती होंगी, गुजरात में ही रहती हैं ये, और ये लोग जितने अब छूटे हैं ये लोग भी सब गुजरात में ही रहेंगे। और पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो 11 के 11 लोगों को छोड़ा गया तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर है। ये उतना इतनी मतलब कहें कि उतना उतनी अच्छी तस्वीर या पॉजिटिव तस्वीर नहीं है जितनी ये सामने से लग रही है या नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें जरूर है, उसका दबाव जरूर है सभी लोगों के मुकाबले में। और अब जब ये लोग सब वापस वहीं जाएंगे तो कहना बहुत मुश्किल है कि
उन लोगों के साथ अब आगे भविष्य में क्या हो सकता है, ये तो निश्चित है कि वो लोग एक डर में जी रहे हैं। एक मेरा सवाल है आपसे, इन्होंने करीब 15 साल और 4 महीने जेल में काटे हैं, और अगर इन्हें अभी रिहा ना किया जाता तो भी ये अंदर जेल में रहते हैं, क्या ये इनके लिए पनिशमेंट काफी है क्या? इससे क्या केसेस, ऐसे केसेस में कुछ कमी आएगी क्या? या मतलब नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पनिशमेंट तो ये तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। हालांकि प्ली यही दी गई होगी कि 15 साल उन्होंने लगभग 1.5 दशक काट लिया है, तो अब उनको मुक्त कर दिया जाए। और जैसा कि सिंह जी ने भी बताया कि वो सारे पैरामीटर्स पर पहले जांचा जाता है कि व्यवहार कैसा है, बाकी लोगों के लिए कितना कोऑपरेटिव है, सोसाइटी के लिए आने वाले समय में कैसा हो सकता है इनका असर मुक्त होने के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ तो यही पैरामीटर्स नहीं रहे होंगे, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप जरूर है, तभी इन सबको मुक्त किया गया है। बाकी सब चीजें एक तरफ है, लेकिन जो अपराध हुआ है उसकी गंभीरता को अगर हम सामने रख कर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये इनजस्टिस ही हुआ है एक तरह से। अभी उनको मुक्त करना, ये बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ, बिल्किस बानो का जिक्र विशेष तौर पर करना चाहूंगी क्योंकि परिवार ने शायद उतना सफर नहीं किया होगा जितना बिल्किस बानो ने खुद किया है। तो एक जी, जी. महिला के बतौर मुझे ये लगता है कि ये इसको हम जस्टिस नहीं कह सकते हैं, और ये शायद एक गलत रूपरेखा रखी जा रही है। और इसकी शुरुआत हो गई थी निर्भया वाले मामले से। जब भी जी. इस तरह के मामले होते हैं तो आने भविष्य में जब उस तरह के अपराध होते हैं या उस तरह की कानूनी लड़ाइयां जब लड़ी जाती हैं तो पुराने केसेस का हवाला दिया जाता है। तो इसमें जैसे जी, पहले जी. एक नींव गलत रखी गई, वो जो निर्भया वाले मामले में एक माइनर को मुक्त कर दिया गया था जिसने सबसे ज्यादा वैश्याना हरकत की थी उस केस में। फिर अब ये गुजरात में हो गया, इसमें 11 लोगों को मुक्त कर दिया जाना, इसका दुष्प्रभाव पर मैं अच्छा प्रभाव नहीं कहूंगी, मुझे लगता है कि इसका दुष्प्रभाव आने वाले समय में जो इस तरह के जो और मामले होंगे उन पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। इससे जो पीड़ित है उनका मन छोटा होगा, उनके जो लड़ने की ताकत होती है, जो हमारी अदालती व्यवस्था क्या है ये हम लोग सब जानते हैं, वहां तक पहुंचना ही किसी पीड़ित के लिए बहुत मुश्किल होता है, वहां पहुंचना, उस केस को लड़ना सालों तक, और फिर कई सालों के बाद आपको ये पता चलता है कि आपने बड़ी मशक्कत के बाद जिसको जेल में पहुंचाया था, सरकार और न्याय व्यवस्था ने मिलकर आज उसको मुक्त कर दिया है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं उसके साथ छल भी है पीड़ित के साथ, जो शासन व्यवस्था के द्वारा किया गया है ये नहीं होना चाहिए था, और इसका निश्चित तौर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा भविष्य में। मोनिका जी, आपने शॉर्ट नोटिस पे मेरे साथ आप जुड़ी और आपने चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सिंह साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, उनका शायद संपर्क हमसे टूट गया है। हम लोग फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही चर्चा में, किसी और ऐसे ही मुद्दे को लेकर के फिर से दर्शकों के सामने आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।